जी वेस्टी ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। और दोस्तों, मैं आज एक बहुत दिन के बाद आपको एक इमोशनल वीडियोज मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ यूआई वेस्ट डिजाइन से रिलेटेड। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे डिजाइनर्स हैं जिन्हें अभी भी ये क्वेश्चंस करते हैं कि आपका मैं ट्यूटोरियल देखता हूँ, जिसमें एक ट्यूटोरियल देखने के बाद जो दूसरे स्टेप जो दूसरे ट्यूटोरियल है सीरीज वाइज वो नहीं मिलता है। तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको ये वीडियो जो बना रहा हूँ। दोस्तों, मैं ये बता देता हूँ कि हमारा वीडियो जो एडोबी एचडी का है वो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट हो रखा है और ये पब्लिश भी कर दिया हूँ यूट्यूब पे, और आपको ये स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे। लेकिन स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए आपको यूट्यूब का जो मेरा होम स्क्रीन है, जहाँ पे आप कवर पेज देखते होंगे, उसके साइड में होम वीडियोज प्लेलिस्ट चैनल अबाउट है। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में जा करके कैटेगरीज वाइज हमारे वीडियोज को देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जो स्टेप होगा प्लेलिस्ट से देखने का, वो स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाएंगे। और दोस्तों, मैं इस वीक में आपको जो स्केच का ट्यूटोरियल है, जो बहुत ही बेटर एप्लीकेशन है मोबाइल एप्लीकेशन और वेब डिजाइन के लिए, ये मैं आपको स्केच के ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करने वाला हूँ इस वीक में। दोस्तों, मैं काफी बिजी रहा हूँ इस वीक में और लास्ट वीक में भी बिजी था, तो जिसके कारण मैं कुछ वीडियोज नहीं बना पाया हूँ। लेकिन दोस्तों, इस वीक में आपको मंडे से कुछ वीडियोज स्केच के स्टार्टिंग वाला वीडियोज आपको मिलेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि ये भी वीडियोज आपको एडोबी एचडी जैसा बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि मेरा जो मेन फोकस पॉइंट है वो यूआई यूएक्स डिजाइन और यूएक्स रिसर्च के प्रोसेस के बारे में है। तो सबसे पहले ये मैं मानता हूँ कि आपको जरूरत है कोई टूल्स की, जिसके माध्यम से आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहें, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो अगर टूल से रिलेटेड कि ये कैसे वर्क करता है, तो उसके रिगार्डिंग आप हमें डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। और बहुत सारे डिजाइनर से मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, और यूआई यूएक्स डिजाइनर या ग्राफिक डिजाइनर हैं या बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और हमारे फोन जो हैं वो हर लोकेशन से आते हैं। अभी कुछ एक हमारे जो वीडियोज देखते हैं वो दुबई के भी हमारे फ्रेंड हैं, वो भी देखते हैं और बोलते हैं कि हमारा जो आपका जो वीडियोज है बहुत ही यूजफुल है, और मैं सबको हेल्प करता हूं। और एक पंजाब से भी पंजाब के रहने वाले हैं, वहां से भी डिस्कस हुआ था कॉल पे कि आपका वीडियोज बहुत ही हेल्पफुल है और आप ये स्टेप बहुत ही अच्छे उठाए हैं, और इसे बहुत ही बहुत लोगों को, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनर हो या स्टूडेंट्स हो या यूआई डिजाइनर हो यूएक्स डिजाइनर हो, उनको काफी मदद मिलेगी इस तरह के वीडियो से। तो दोस्तों, मेरा मेन फोकस पॉइंट जो है वो यूआई यूएक्स डिजाइनर का है, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मोबाइल एप्लीकेशंस के बारे में बताता हूँ कि कैसे मोबाइल एप्लीकेशंस क्रिएट किया जाता है और उसके क्या स्टेप होते हैं। तो आपको ये मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि दोस्तों, जब कोई प्रोडक्ट क्रिएट करना होता है, डिजाइन क्रिएट करना होता है मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट के लिए, तो सबसे पहले जो स्टेप होता है वो है आपको रिसर्चिंग का। तो सबसे पहला स्टेप रिसर्चिंग का है, और इस तरह के वीडियोज मैं आपको जब स्केच का वीडियोज प्रोवाइड कर दूंगा उसके बाद मैं आपको टोटल प्रोसेस बताऊंगा, और कुछ कुछ वीडियोज मैंने इसके रिगार्डिंग पब्लिश भी किया है, तो आप देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं रिसर्चिंग के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से एप्लीकेशंस का रिसर्च करते हैं, उसके बाद कैसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, यूजर से इंटरव्यूज कैसे लिया जाता है, यूजर्स का मीन्स जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं करेंगे उनका क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, और उनके बिजनेस लॉजिक पे हमें क्या क्या इम्प्लीमेंट करना होगा, क्या क्या फीचर्स अपडेट करना होगा या इम्प्लीमेंट करना होगा जिससे हमारे यूजर्स प्रोडक्ट के हैप्पी होंगे। तो दोस्तों, इस तरह का प्रोसेस मैं आपको टोटल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो यूएक्स रिसर्चिंग के बाद जो होता है
इन्फॉर्मेशन यूजर इंटरव्यूज होता है, उसके बाद हम गैदरिंग इन्फॉर्मेशन करते हैं, जो फीडबैक लेते हैं, फीडबैक लेने के बाद हम वायर फ्रेमिंग करते हैं उस लेवल पे, और लोड फिडिलिटी का सबसे पहले वायर फ्रेमिंग पेपर पे ही कर लेते हैं, पेन या पेंसिल से आप पे, जो पेपर है व्हाइट बोर्ड उस पे आप डायरेक्ट कंसेप्ट बनाते हैं। उसके बाद जो मैपिंग का प्रोसेस होता है, कैसे डिजाइन नेविगेट करेगा एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे, वो स्टेप होता है। उसके बाद जो वायर फ्रेमिंग होता है, उसका डिटेल वायर फ्रेमिंग क्रिएट करने के बाद यूजर टेस्टिंग करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, उसके बाद डिजाइन को विजुअल डिजाइन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोसेस हैं जो कि मैं अभी आपको ऐसे ही बता रहा हूं, बट मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एग्जांपल के साथ मैं बताने वाला हूं। अभी मैं ये इमोशनल वीडियोज आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूं कि मैं किस तरह का आपको फ्यूचर में वीडियोज प्रोवाइड करने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरा ये टारगेट है कि एडोबी एचडी का तो टारगेट मैंने गेन कर लिया, और उसके वीडियोज ऑलरेडी बना करके क्रिएट करके यूट्यूब पे मैंने पब्लिश कर दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लेंगे। और मेन आप लोग का ये क्वेश्चंस है कि आपका एक वीडियो देखने के बाद दूसरे सीरीज का वीडियो नहीं मिल पाते हैं। तो दोस्तों, मैं कैटेगराइज वीडियोज किया हूं और कुछ वीडियोज कैटेगराइज नहीं किए हैं। तो मैं जब टाइम होगा, टाइम मैं सोच रहा हूं कि किसी तरह से निकालने के बाद आपको हर वीडियोज को एक कैटेगराइज फोल्डर में मैं अपडेट कर दूंगा, और उसके बाद आप हमारे कैटेगराइज किए हुए वीडियोज को स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में देख सकते हैं। ऐसे एडोबी एक्सडी और मैक्सिमम वीडियोज मैंने कैटेगराइज कर दिया है, तो आप हमेशा हमारे वीडियोज को प्लेलिस्ट में जा करके ही देखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, उसमें आपको रिपीटेशन नहीं मिलेंगे। और उसके बाद बहुत सारे मैं और भी टूल्स और टेक्निक्स बताऊंगा, और कुछ ऐसे डिजाइनर्स हैं जो हमारे पोर्टफोलियो को नहीं देखे हैं, तो हमारे जो अबाउट का पेज है, अगर मोबाइल से आप हमारे वीडियोज को देखते होंगे तो आप होम पेज के बाद वीडियोज है, प्लेलिस्ट है, चैनल है, अबाउट अस में जाएंगे, बहुत सारे लिंक दिया हुआ है, और वहां पे जॉब से रिगार्डिंग भी मैंने बहुत सारे पब्लिश कर रखा है। कहीं पे रिक्वायरमेंट होता है तो मैं वहां पे गूगल ड्राइव में शेयर कर देता हूं, और वहां पे विहेंस नेटवर्क का एक लिंक दिया हुआ है जहां पे आप हमारे पोर्टफोलियो को देख सकते हैं कि मैं किस तरह से वहां पे वर्क करता हूं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही मुझे भी सपोर्ट कर रहे हैं, और आपको भी बहुत सपोर्ट मेरे तरफ से मिल रहा होगा, और आपको जैसा कि मैं बताया हूं, और कि ज्यादा अगर आपको रिक्वायरमेंट है या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर कहीं पे कंफ्यूजन है, तो आप डायरेक्ट हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और उसके लिए आपको मेल भेजना होगा, और मेल जो है हमारा ईमेल आईडी वो है uxvideotutorial82@gmail.com। उस पे आप मेल कर देंगे या अबाउट में जाएंगे तो आपको ईमेल आईडी मिल जाएंगे, और उसे आप नंबर पे शेयर कर देंगे तो मैं आपको कॉल कर लूंगा, और जो भी आपका डिस्कस पॉइंट है उसको मैं कोशिश करूंगा सॉल्व करने का। और दूसरी पॉइंट मैं ये बता रहा हूं कि आपको, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि हैंगआउट पे मैं आपको डायरेक्ट लाइव वीडियोज पब्लिश करने वाला हूं, और लाइव के थ्रू आप हमारे वीडियोज को देख सकते हैं, और उसके बाद टूल्स भी जो हैं, एडोबी एक्सडी या कुछ भी स्केच है, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर है, उनके भी ऑनलाइन आपको हैंगआउट के थ्रू स्क्रीन शेयर करके आपको वीडियो दिखाने का कोशिश करूंगा। और मैं समझता हूं कि ये ट्यूटोरियल्स जो होंगे इस तरह के आपको बहुत ही यूजफुल होंगे, और दोस्तों जो स्टूडेंट है उन्हें भी मैं बोलता हूं कि अगर आपके लाइफ में सक्सेस नहीं मिला तो एक बार ट्राई कीजिए, आपको भी ये सफलता मिल सकता है। कोई जरूरी नहीं कि आपको ग्रेजुएशन करना जरूरी है, आप इंटरमीडिएट के बाद भी अपना डिजाइन का करियर इस फील्ड में स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमारा था ये इमोशनल वीडियोज कि आप कैसे अपने लाइफ को सक्सेस कर सकते हैं, जिसके गाइडलाइन मैं आपको बताते रहता हूं, और बहुत सारे इस तरह के ट्यूटोरियल्स मैंने प्रोवाइड किया है।
तो हमारे आप इस मोटिवेशनल का जो प्लेलिस्ट का जो वीडियोज है उसमें आप जा करके देखिएगा मोटिवेशनल वीडियोज में, तो उसमें आपको गाइडलाइन मैं बताते रहता हूँ। और इस वीक में जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि आपको स्केच की ट्यूटोरियल्स मिलेंगे और उसमें बहुत ही ट्रिकी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इजी टू यूज डिजाइन क्रिएट किया जाता है। तो बहुत सारे एडोबी एक्सटी में उतना प्लगइन नहीं है थर्ड पार्टी का, लेकिन स्केच में ऐसा बहुत सारे प्लगइन्स है जो बहुत ही शॉर्टली वर्क कर सकते हैं, और जो डिजाइन का स्पेक्स है और ग्रिड सिस्टम है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन है, वो स्केच में बेटर है। और एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर विंडोज 10 में एडोबी एक्सटी यूज कर रहे हैं तो स्केच का ट्यूटोरियल जो प्रोवाइड करूंगा वो भी आप देखेंगे। मैं मानता हूं कि आपके पास एप्पल का लैपटॉप नहीं है या सिस्टम नहीं है, फिर भी एडोबी एक्सटी का जो फीचर है और स्केच का जो फीचर है सेम टू सेम है। इसलिए अगर आप एडोबी एक्सटी में फीचर्स को भी गेन करना है या डिजाइन का कैसे क्रिएट करना है तो जो मैं स्केच में बताऊंगा सेम टू सेम वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में फीचर सेम है। तो दोस्तों प्लीज हमारे इस वीडियोस को आप सोशल मीडिया व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम फेसबुक लिंक्डइन ट्विटर पे आप शेयर करें, और इस तरह से मैं आपको हमेशा हेल्प करते रहूंगा। थैंक यू।